नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड इट्स बीन आस्क्ड इन गेट 2020 फॉर 1 marks इन सेट 1. ओके, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि अ कंपनी इज हायरिंग टू फिल 4 vacancies. द कैंडिडेट्स आर 5 men and 3 women. If every candidate is equally likely to be chosen, then the probability that at least one woman will be selected. Probability of X, random variable means अगर हम इसे suppose करें, should be greater than equal to 1. ये at least one means कम से कम एक और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. So instead of finding this, we can find 1 minus probability of X less than 1 means 1 minus probability of X equals to 0 पे. ठीक है, एक्स हमें इंडिकेट कर रही है वुमेन्स जो सिलेक्टेड हैं. ठीक है, देखिए एक चीज पता है मुझे कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन प्लस मैन ये सारे हो जाएंगे 3 + 5 = 8. मतलब टोटल 3 वुमेन्स एंड 5 मैन दिए गए हैं. ओके, सो मुझे बोला है कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो मींस 3 वुमेन्स में से हमें 0 वुमेन्स सेलेक्ट करना है. एंड अगर वुमेन्स 0 है तो सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, मैन होंगे. तो 5 मैन में से 4 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हो गई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब 8 में से 4 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी. तो 1 - 3c0 × 5c4 / 8c4 ये हो गया इतना. सो ये क्या हो जाएगा 1 - 3 factorial, ये 0 factorial × 3 factorial. अगर मुझे पता है कि NCR क्या होता है, n factorial upon r factorial upon n minus r bracket का factorial होता है. ठीक है, into 5 factorial upon 4 factorial into 5 minus 4 1 factorial divided by 8 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial. इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आने वाला है 0.928 which is almost equal to 0.93. ओके, सो 0.93 will be our answer.